हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, खस्ता मठरी बिल्कुल परतदार क्रिस्पी, मैं इसे अभी तोड़ के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी ये कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है। और चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाना इसे बेहद ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे कलौंजी, आधी चम्मच कलौंजी, इसे मंगरेल भी कहते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच नमक। सभी ड्राई चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ये देखिए, ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से एक साथ मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें मोयन के लिए डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ये 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है, तकरीबन ये आधा कप है। इसे हम इसमें डालेंगे और हाथों से पहले इसे मिक्स करेंगे। हाथों से मसल मसल करके इसे हमें मिक्स करना है। अब दोनों हाथ हमें लगाना पड़ेगा। दोनों हाथ से हम इस तरह से इसे मसल मसल करके क्रम्बल करेंगे। एकदम इसकी क्रम्बल कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। ये देखिए, अभी हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं। जब तक अच्छी तरह से मोयन इसमें मिक्स नहीं हो जाता है, तब तक हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं इसे दोनों हाथों से हम किस तरह से मिक्स कर रहे हैं। धीरे धीरे ये क्रम्बल की कंसिस्टिंग पे आ जाएगा। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसे हम हाथ में लेकर के इस तरह से लड्डू बनाएंगे, तो ये इस तरह से लड्डू बन जाना चाहिए। यानी कि ये हमारा परफेक्ट मोयन के लिए आटा तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। पहले हम इसमें थोड़ा ही पानी डालेंगे, अब थोड़ा सा और पानी हम इसमें डाल रहे हैं और अच्छी तरह से इसे हमें गूंदना है। आटा हमें बहुत हार्ड भी नहीं गूंदना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है। बस नॉर्मल, जैसे चपाती के लिए हम आटा तैयार करते हैं, हमें वैसे ही आटा तैयार करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। इतना आटा गूंदने के लिए हमें आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, और आटा बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद चुका है। अच्छी तरह से इसे मारते हुए गूंद लें। इसे हम ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि आटे को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोल करके फिर से एक बार अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये देखिए, आटा अच्छी तरह से फूल गया है और बहुत ही परफेक्ट आटा गूंदा है, एकदम सॉफ्ट सा। तो आटा हमारा लग चुका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा गूंद करके तैयार है। ये देखिए, अब ये निमकी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इससे बनाएंगे खस्ता परतदार नमकीन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कटोरी में हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून ही मैदा डाल रहे हैं और इसका एक हमें पेस्ट की तरह बना लेना है। ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक रिफाइंड ऑयल और मैदे का पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो आटा हमने गूंधा था, उसे हम लेंगे और उसे इस तरह से शेप देंगे, थोड़ा सा लंबा करेंगे इस तरह से, और इसे 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसे हम 4 पेड़े बनाएंगे। देखिए, बराबर हिस्सों में हमने इसे डिवाइड कर लिया है। अब एक एक पेड़ा हम इससे बनाएंगे, तो हमारे 4 पेड़े बन करके रेडी हैं। अब हम इसे एक तरफ रखते हैं और एक पेड़ा उठाएंगे और उसे हम बेलन की हेल्प से बेलेंगे। ये देखिए, ना कुछ भी मैदा तेल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये इसी तरह से बड़ी आसानी से बेल जाता है। धीरे धीरे बेलते हुए इसे बड़ा करें और हमें इसे पतला बेलना है। अगर आपसे गोल नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हमें इसे बस पतला सा लंबा सा और बेलना है। ये देखिए, हम इसे फैलाते हुए अच्छी तरह से बेल रहे हैं। हमने यहाँ पर कोई खुश्की नहीं लगाई है, कोई तेल वेल नहीं लगाया है, और इसे हम इसे बड़ा कर रहे हैं ताकि एक पतली सी शीट की तरह ये बन जाए। ये देखिए, इसे हमने बेल के एकदम रेडी कर लिया है। तो ये पतली सी शीट हमारी बिल गई है। अब हम इस पर मैदे और रिफाइंड ऑयल का जो हमने पेस्ट बनाया था, उसे अप्लाई करेंगे। इस तरह से इस पर फैला करके हाथ से पूरा इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। ये देखिए, चारों तरफ हमें इसे लगाना है, ताकि जो हम इसकी लेयर बनाएंगे वो बाद में फ्राई करने पर बिल्कुल अलग अलग निकल के आएगी। तो हमने मैदे का घोल अच्छी तरह से इस पर लगा दिया है, चारों तरफ लगा दिया है। अब हम इसे रोल करते हैं। एक तरफ से इसे रोल करना शुरू करेंगे
और हमें इसे टाइटली रोल करना है, बीच में हवा ना हो, अच्छी तरह से रोल करें टाइटली, नहीं तो बाद में जब हम इसे बेलेंगे तो बीच में गैप हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से दबा दबा के इसे हम रोल करेंगे, तो हमने इसे अच्छी तरह से टाइटली रोल कर लिया है। एक बार हम इस तरह से इसे हाथ से बेल लेंगे और ये हमारा रोल बन करके रेडी है। अब इसके हम छोटे छोटे पूरी के साइज़ के पेड़े बना लेंगे। तो एक पेड़े से हमने इतनी सारी टिकिया बना ली है। ये देखिए अब इसे हाथ से हम थोड़ा थोड़ा शेप देते हुए गोल करेंगे और थोड़ा सा दबा करके इसे चपटा करेंगे। अब इन सब पेड़ों को एक तरफ रखते हैं और एक एक पेड़ा उठा के हम इसे बेलेंगे। तो बेलन लीजिए और इसे बस पतला सा बेलिए। ये देखिए बेलते जाइए इसे। तो इसे हमें पतला बेलना है। पतला बेलने के बाद हम इस पर जो मैदे और रिफाइंड ऑयल का पेस्ट हमने बनाया था वो अप्लाई करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर फिर एक बार लगा देंगे पेस्ट और एक बार फिर फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी एक मठरी बन करके तैयार है। अब इसे हम हल्का सा बस बेलना है। ये देखिए बहुत हल्के हाथ से बेलन से आप इसको थोड़ा सा बड़ा करें, हल्का सा शेप देते हुए, बहुत ज़्यादा बेलन पे दबाव ना डालें, हल्का सा बेलन को बिल्कुल हल्के हाथ से इस पे चलाएं। तो एक मठरी हमारी बन करके ये देखिए अब तैयार है। इसी तरह से हम सारी अपनी बेल लेंगे। तो हमने सारी मठरियों को बेल लिया है। अब हम तेल गरम होने के लिए रख देते हैं। तेल को हल्का गरम होने दें। जब तेल हल्का गरम हो जाए तो उसमें हम एक एक करके जो मठरियाँ हमने बनाई हैं वो डालेंगे। ये देखिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो मठरियाँ तुरंत सिक जाएंगी और वो अंदर से पकेंगी भी नहीं और ना ही वो क्रिस्पी होंगी। बिल्कुल हल्के गर्म तेल में हमें इसे डालना है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें और धीरे धीरे इसे तेल में सिकने दें। जैसे जैसे ये सिकेगी वैसे वैसे इसकी परत खुलनी शुरू हो जाएगी और ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। ये मठरी इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसको किसी भी टाइम बना के सर्व कर सकती हैं और चाय के साथ खाने के लिए ये एक बेस्ट स्नैक है। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं और झटपट आपको कोई नाश्ता बनाना है तो आप इसे बना करके तुरंत अपने मेहमानों को खिला सकते हैं और बहुत ही ये मज़े की बनती है। तो यहाँ पे आप देखिए साथ में जो है मठरियाँ तल करके रेडी हो गई हैं और किस तरह से इसकी परतें आपस में खुल खुल करके अलग हो रही हैं आप देख सकते हैं। और ये सिक गई हैं। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा डार्क करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये तेल से निकलने के बाद भी थोड़ा इसका कलर आता है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी, खस्ता, परतदार नमकीन बनी है और ये बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम तेल में से निकाल लेंगे और इसी तरह से हम जो बाकी हमने बेल करके रखी हैं उन्हें भी सेक लेंगे। तो ये भी देखिए सिक रही हैं और एक तरफ से ये कलर इनका चेंज हो गया। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से सेकेंगे और बस ये लगभग सिक गई हैं। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। ये इतनी क्रिस्पी बनती है और इतनी इसमें परतें बनती हैं कि आप जब इसे बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर। और बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।